हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुमताज क्रिएशन। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये नेट डिज़ाइन। ये देखिए, ये बिल्कुल क्रॉस स्टिच जैसा लग रहा है, जैसे कि हम क्रोशिया से बनाते हैं उस टाइप का डिज़ाइन है ये। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही इजी है। ये देखिए आप इसका मफलर भी बना सकते हैं कार्डिगन के, इसको बॉर्डर में भी डाल सकते हैं। और जैसे बेबी फ्रॉक बनाते हैं तो उसके घेर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये डिज़ाइन कैसे बनेगा आइए मैं आपको बताती हूँ। ये शुरू से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये कुछ फंदे डाले हुए हैं, आप ये कितने भी फंदे डाल लीजिए, ये एडजस्ट हो जाएगा। मैंने दो सिलाई की ये पहले से कर ली है। सबसे पहले फंदा हम एक फंदा हम उतार लेंगे और एक फंदा हम ऐसे करके ये बुन लेंगे। ये बुनने के बाद धागा हम आगे करेंगे, फिर हम दो फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे करके, फिर धागा आगे करेंगे, फिर दो फंदे बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर दो फंदे बुनेंगे। ये जो धागा हम आगे कर रहे हैं इससे हमारी ये जाली बनती जा रही है और हमारा फंदा साथ ही साथ बढ़ता भी जा रहा है। ये देखिए, ये धागा आगे करेंगे, ये वाला बुन लिया, धागा आगे करेंगे, फिर यहाँ से दो का एक लेंगे, धागा आगे दो का एक, धागा आगे दो का एक। इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे, हमारे जो भी फंदे हो इसी तरह से हम धागा आगे करते जाएंगे। ये दो फंदे हम, इसकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं हम इसकी सेकंड रो में। सेकेंड रो इसकी बिल्कुल प्लेन होगी, यानी कि उल्टी सिलाई होगी इसकी। ये पूरी पहला फंदा हम उतारेंगे, ये ऐसे करके हर फंदे को हम बुन लेंगे। जो हमारा दो का एक होके घटा है फंदा, वही हमारा जाली के साथ हमने बढ़ा भी दिया है, इसलिए हमारा कोई भी फंदा माइनस नहीं हुआ। चाहे तो आप फंदों को एक बार गिन लें और बाद में भी गिनेंगे तो वो इक्वल ही रहेंगे, क्योंकि हमारा कोई भी फंदा घटा नहीं है। आप इससे मफलर बनाइए, कैप बनाइए, बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी इस तरह से ये जाली आने लगी। अब हम करेंगे इसकी थर्ड रो। दो ही सिलाई का वैसे ये डिजाइन है, बस इस बात का ध्यान रखना है, अब ये जो हमारी जाली डलेगी ये हमारी इस जाली के इस यहाँ पर डलेगी। जैसे कि हम पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुना, फिर ये जो हमारा जाली वाला फंदा है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा जाली का फंदा है हम ये भी बुनेंगे। ये हमने जाली वाला फंदा बुन लिया, फिर हम धागा आगे करेंगे और फिर हम दो का एक करेंगे। बस हमें पहले फंदे पे ही ध्यान रखना है, बाकी हमें फिर वही रिपीट करना है कि धागे आगे करना है और हमें दो का एक करना है, धागा आगे दो का एक। धागा आगे दो का एक इसी तरह करते जाएंगे। धागा आगे लेंगे तो जाली डल जाएगी जिस वजह से, और हमारा फंदा भी साथ ही साथ बढ़ जाएगा। जिन फ्रेंड्स ने मेरे कभी जाली नहीं डाली होगी, अगर वो भी इस तरह से जाली डालेंगे तो बहुत ही इजीली डल जाएगी।
ये फंदा ये लास्ट में हमारा बन गया, इसको हम ऐसे ही बना देंगे। इसकी उल्टी सिलाई आते हैं, उल्टी सिलाई इसकी पूरी प्लेन हो गई, मीन्स मतलब पूरी उल्टी हो। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये जाली हमारी इस वे में चल रही है। अब जैसे जैसे हमारे यहाँ की ये जाली इस साइड को बढ़ती चली जाएगी, तो हमें एक जाली इधर भी, यहाँ पर ये जो हमारा एरिया है ये प्लेन होता जाएगा, तो हम एक एक जाली यहाँ पर भी बढ़ाते जाएंगे। देखो उतार लेंगे और दूसरा फंदा में इसका प्लेन बनाएंगे, फिर हम धागा आगे करेंगे और एक फंदा ये और एक फंदा ये जो हमारा जाली वाला है इसको हम साथ में लेके बुनेंगे। जो हमें दो का एक करना है वो हम ये वाला करेंगे। उल्टी सिलाई में काफ़ी टाइट हो जाता है, इसको बहुत ही ढीले हाथ से बनाना है हमें। ये फिर धागा आगे, तो एक ये और एक ये जाली वाला फंदा इन दोनों को एक साथ बुनना है। धागा आगे इसी तरह से बस धागा आगे करते जाएंगे और ये दो का एक होता चला जाएगा। सीधी ही सिलाई में हमारी ये पूरी बुनाई है कि उसी में हमारा फंदा बढ़ रहा है और उसी में घट रहा है, ये दो का एक घट रहा है और ये जो हमने धागा आगे लेके और ये इसके ऊपर से हमने रिपीट किया, ये हमारा धागा बढ़ गया है। अब इसकी आती है ये उल्टी वाली रू, इसको हम पूरा उल्टा ही बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी उल्टी रो कंप्लीट हो गई है। देखिए ये बिल्कुल इक्वल इक्वल ये जाली आती जा रही है फ्रेंड्स, इसी तरह से ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत जल्दी हो जाता है। स्पेशली इसकी खासियत ये है कि ये बहुत जल्दी बन जाता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये मेरा मेथड पसंद आया हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।